हे गाइस, कैसे हो सब? बढ़िया ना? तो आज हम बनाएंगे बर्गर। तो आप यूजुअली कौन सा बर्गर खाते हो? आलू टिक्की वाला या पनीर टिक्की वाला? है ना, यूजुअली तो यही होते हैं, बट मैंने सोचा कि कोई नए टाइप का बर्गर बनाते हैं। तो मैंने स्टफिंग वाला बर्गर ट्राई किया और सुपर यम यार, इतना यमी था ना ये। तो इसकी रेसिपी मैंने सोचा पक्का ट्राई करनी चाहिए, तो इसको हम ट्राई करते हैं। इसके अलावा ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए, और मेरे को ये आलू टिक्की वाले से ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे नो डाउट वो बर्गर भी बहुत अच्छा होता है, मैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, बट हाँ सोचा पहले कुछ नया ट्राई करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे इसकी स्टफिंग। एक पैन में लेंगे थोड़ा सा बटर और उसमें डालेंगे प्याज, दो प्याज डाल लो तड़के के लिए, जैसे तड़का बनाते हैं ना वैसे ही बनाना है। तो उसमें फिर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, या फिर आप चॉप जिंजर गार्लिक भी डाल सकते हो, बट मैं आलसी टाइप की हूँ, जिंजर गार्लिक चॉप कौन करे, इसलिए मैंने पेस्ट डाल दिया। अब हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी कैप्सिकम और कैरेट, वैसे आप इसमें कोई भी सब्जी डाल सकते हो, मेरे पास ये दोनों पड़ी थी। फिर इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे और इसमें डालेंगे शेजवान चटनी, ठीक है? 1 चम्मच शेजवान चटनी डालेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे अपने पनीर के क्यूब्स। देन इसमें डालेंगे 2 चम्मच मेयोनीज और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी क्रीमी स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई। इसको साइड कर लेंगे, थोड़ा ठंडा कर लो, गरम गरम मत रखो, ठंडा कर लो। अब हम अपने लेंगे बर्गर बंस। तो एक को मैंने सर्कल शेप में काटा है, मतलब अंदर से ना इसको फिल करने के लिए इसकी स्पेस बनानी है। तो एक को मैंने सर्कल से काटा है और एक को स्क्वायर। अब हम इसमें हम अच्छे से लगाएंगे बटर। आप इसमें गार्लिक बटर भी लगा सकते हो, मैंने इसमें प्लेन अमूल बटर लगाया है। इसमें अच्छे से बटर लगाओ। देन हम इसमें अपनी डालेंगे भर भर के इसमें 2-3 चम्मच स्टफिंग, ठीक है? अच्छे से स्टफिंग आनी चाहिए, तो स्टफिंग अच्छे से डालना, कंजूसी मत करना। देन इसमें आप अपनी कोई सी भी चीज़ डाल दो, मैंने इसमें मोजरेला चीज़ डाली। तो इसमें आप प्रोसेस चीज़, क्यूब चीज़, चीज़ स्लाइस कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? फिर इसको आप अवन में चीज़ मेल्ट कर सकते हो या फिर आप इसको तवे पे कर सकते हो। मैंने इसको ढक के तवे पे किया, तवे पे डाला हल्का सा बटर, ये रखा, पैन लिड से ढका और हमारा चीज़ी चीज़ पुल वाला बर्गर रेडी हो गया। तो यार मैंने इसको पुल करते हुए नहीं दिखाया, वो ना रह गया मेरे से, बट इतना यम्मी बना था, इतना यम्मी बना था ना ये। और फिर हमने इसको ऊपर से तंदूरी मेयोनीज से सजा दिया, यार वो ही गार्निश कर दिया, ये समझ जाया करो, ठीक है? तो ये हमारा चीज़ पुल वाला स्टफिंग वाला बर्गर रेडी हो गया। तो आप ज़रूर ट्राई करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।